अबे अंडरपास बन गया यहाँ पे। ओ बेटा, अच्छा रास्ता बंद। ये है अपना पुराना रास्ता, जिसको होते हुए हम कभी अपने ऋषिकेश की तरफ जाते थे। आज इस रास्ते पे कोई नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इस रास्ते पे ही निकल जाता हूँ। बीच बीच में कभी कभी चेंज होना चाहिए। वैसे यहाँ पे कुछ और भी काम वाम चल रहा है शायद, कुछ रेलवे का पता नहीं किसका, इस पर भी नज़र डाल के चलते हैं। अब जब आपको डेवलपमेंट के वर्क और हरिद्वार ऋषिकेश के एरियाज दिखाने ही है, तो डिटेल में ही जाके घुसते हैं आप। और जो लोगों को यहाँ से आगे देहरादून या ऋषिकेश की तरफ जाना है, अब क्योंकि बसेस नीचे तो आती नहीं है, तो यहाँ उनके लिए बना दिया गया है फुट ओवर ब्रिज टाइप। ये सीधा कनेक्ट करता है ऊपर फ्लाईओवर को, और आप ऑन रोड आकर बस पकड़ सकते हो। अरे वाह भाई साहब, यही है वो रास्ते, यही है वो ब्रिज जिसे बनाते हुए दिखाया हमने बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे अंडरपास बन रहा है क्या? यस, सम वर्क इज गोइंग ऑन हियर। व्हाट बट व्हाट, अबे अंडरपास बन गया यहाँ पे। ओ बेटा, मुझे तो इधर से जाना पड़ेगा। ये अंडरपास कहाँ जा रहा है? ये कहाँ पे निकल रहा है ये अंडरपास? ये कहाँ पे निकलेगा अंडरपास? अंदर सड़क पे तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अच्छा, ये अंडरपास बना दिया यहाँ पे, आप अगर मोहल्ले में उधर निकलना चाहते हो पर मैं काम पर आ गया हूँ, ये कह रहे निकल जाएगा। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, निकलने को निकल जाएगा पर मैं कहीं फंस ना जाऊँ। हालांकि जब ये पुल बन रहा था तो नीचे से आते थे हम, आज नहीं फिर किसी दिन आऊँगा। लेकिन आपको ये बता दूँ, ये अंडरपास जो है ना, कॉलोनी में जाने के लिए है। पीछे जो उधर की तरफ से कॉलोनीज होंगी जो ना, वहाँ जाने के लिए बनाया, उन लोगों के लिए बनाया है। क्योंकि जब से पुल पुल बन गया होगा, उसके बाद से मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मुश्किल क्या, पहले तो था ही नहीं। यह फाटक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यह फाटक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, बट पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा रास्ता बंद। अरे बताइए, आज तो पूरा एडवेंचर हो रहा है भाई मेरा। आज लग रहा है मैं पुराने वाले टाइप से राइड कर रहा हूँ, जहाँ मन कर रहा है वहीं बाइक ले जा रहा हूँ। मतलब मुझे उधर से ही जाना पड़ेगा। ओ ओके, वहाँ से बाहर निकलेगा वो रास्ता, जाएंगे वहीं से जाएंगे। भैया ये रास्ता यहाँ से निकलेगा क्या फाटक पार? नहीं निकलने का?
कट गया जी हमारा। चलो कोई बात नहीं, खैर कुछ नया करने के लिए सब टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा ना, कोई चक्कर नहीं है जी। अब हम यहाँ से वापस पुल पे चढ़ेंगे और अपने रास्ते पे जाएंगे। आज का एडवेंचर काफ़ी हो गया है, मुझे लगता है कि अब मुझे फोकस करना चाहिए अपनी राइड पर, अपने ऑफिस पहुँचना चाहिए। फिर किसी दिन इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे कि अगर किसी को जाना है यहाँ से बाहर तो क्यों नहीं जा सकता। अच्छा UK 3 मुझे एक बात का भी डर है, बड़ा लग रहा है मैं वहां से निकल गया, मतलब मान लो उस रोड से मैं निकल जाऊं और वो डिवाइडर ना मिले मुझे पार करने के लिए। बाकी चलो जो भी है यार, अब मैं चढ़ता हूँ इस फ्लाईओवर के ऊपर, अपने काम पे पहुंचता हूँ। अब ये वीडियो मेरे घर वाले देखेंगे तो मुझे बोलेंगे मैं कहाँ घूम रहा था, क्या करने क्या करना क्या चाह रहा था। 2-3 किलोमीटर फालतू में इधर उधर हो गया। क्या करना चाह रहा है, तो आपको इस वीडियो में देखने को ये मिला कि जब तक आप एडवेंचर मूड से काम नहीं करोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। तो ये मैं वापस जाके उस फ्लावर पे ट्राई किया मैंने कि शायद वो अंडरपास वहां के जाके क्रॉस हो रहा हो, हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पे वहाँ पे भी रोड वोड बन जाएगी। फिलहाल तो नहीं है, मतलब है या नहीं मुझे पता नहीं, बट वहाँ पे मना ही करते हैं कुछ दुकानदार हैं भी कि रास्ता नहीं है। तो मैं वापस घूम के आ गया हूँ फ्लाईओवर के ऊपर, पहुँचता हूँ अपने ऑफिस। इस वीडियो में देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स रिवाइव द चैनल।